Assalamualaikum everyone, this is Bushra Aziz. Hope कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे. और आज की रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त, यमी, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आती है ये रेसिपी. तो आज हम बना रहे हैं पिज्ज़ा सैंडविच. तो देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है. ओके नाज़रीन, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 teaspoon सिरका, नाज़रीन चिकन मैरिनेट हमने जो करने रखी थी उसको हम थोड़ा सा 1 tablespoon ऑयल में जो है हम उसको थोड़ा सा पकाएंगे. अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो चिकन है वो गल जाए. अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने सादा वाला मेयोनीज़ लिया था और चिली गार्लिक सॉस है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है. और अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने जो है एक शिमला मिर्च छोटी वाली और एक बंद गोभी ली है. तो ये जो सॉस है, आधा सॉस मैं इस जो वेजिटेबल है इस तरह से जो मैंने काटी है मैं इसमें इसको मिक्स कर दूँगी. अच्छा नाज़रीन, सैंडविच बनाने के लिए, पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये 3 ब्रेड ली है और इसके जो साइड्स हैं वो मैंने कट कर लिए हैं. और साथ में मैंने जो है ये शिमला मिर्च ली थी, तो आधी मैंने आप लोगों को जो दिखाया है सैलड बना लिया है उसका, मेयोनीज़ के सॉस के साथ, मेयोनीज़ और केचप के सॉस के साथ. और ये थोड़ी सी मैंने रख ली है. और ये मैंने थोड़ा सा चीज़ ले लिया, मोज़रेला, चेडर, कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं. और ये जो है हमारी रेडी हुई हुई चिकन है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको पूरा इसका प्रोसेस बताया है. और साथ में है पिज़्ज़ा सॉस और मैं आपको साथ में बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें डलेगी. नाज़रीन, अब हम 1/2 teaspoon जो है बटर लेंगे थोड़ा पैन को ग्रीस करने के लिए. और अब हम जो हमने ये सैंडविच बनाया है इसको पैन में रख देंगे और इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम में इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे.